People, I think you must have, well, many people must have heard it. They stress upon this Pomodoro technique, and I think it does really work. It did work for me. Study for some, like, जैसे शुरुआत में 25 मिनट अनइंटरप्टेड पढ़ाई करो, उसमें कुछ भी नहीं, कोई कोई ब्रेक नहीं करनी है. एंड देन टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड स्लोली इंक्रीज दिस पोमोडोरो का टाइम टू 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, मैक्सिमम ऑफ 1 आवर, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स योर ब्रेन टू बी कंसिस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर टॉपिक यूर स्टडिंग. सो इट विल बी बेटर इन द लॉन्ग रन. Hello everyone, welcome to another episode of Career Talks, and in this episode we have a very very special guest with us. Deepika, can you just introduce yourself? Hi everyone, my name is Deepika Mehta. I am a final year student at AIIMS Rishikesh here, and I gave my NEET, and at that time we had AIIMS separate exams also, so I gave my NEET and AIIMS in 2017. And so I am in final year now, and I was taught by Vaibhav sir. And so here I am. Let's talk today. Oh, that's so amazing. मतलब AIIMS Rishikesh, मतलब AIIMS में पहुंचना बहुत लोगों का dream होता है. मतलब so many limited number of seats, you know. So let's start with your journey. तो मतलब आपके according, what are the qualities needed to crack NEET? You know, to get into a good medical college, what are the basic or the most, you know, necessary qualities which are needed? Okay, so I think the first would be, as everyone says, that hard work. But from my end, I believe that it's not just hard work, but you have to be very smart in what you do. Matlab, you should have some concise notes. Ab notes to dhero hi hai, kitne padh loge. To kuch concise tumhare paas rehna chahiye. And end of the day, consistency is the key. You have to be consistent throughout. कंसिस्टेंट रहोगे तो ही मतलब देर इज समथिंग, क्योंकि तुम सारा सिलेबस एक दिन में या एक हफ्ते में खत्म करके नहीं छोड़ सकते और फिर उसके बाद नहीं कुछ भी पढ़ो, दैट वोंट डू. सो अल्टीमेटली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू बी यू नो टू बी इन अ गुड कॉलेज, टू बी अ गुड डॉक्टर. या डेफिनेटली, मतलब कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में स्मार्ट वर्क ऑलवेज विंस. स्मार्ट वर्क का मतलब है कि जैसे हार्ड वर्क में तो क्या होता है कि आप जो चैप्टर्स नहीं भी आते उसी को बार बार रिवाइज करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो. आई मीन इट वोंट बेनिफिट यू. सो मतलब सभी लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी लानी कैसे है? मतलब कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट? दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट आई थिंक अल्टीमेटली देखो कंसिस्टेंसी का जो कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड, इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन तो यू विल बी कंसिस्टेंट, पहली बात तो ये है. बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंसिस्टेंसी के लिए आई थिंक यू शुड मेक नो जैसे लिमिटेड डिफाइंड अचीवेबल गोल्स, कि आज के दिन मेरे को 6 घंटे पढ़ना है. 6 घंटे तो हम पढ़ते ही हैं सब, 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे से शुरू करना है. हम अल्टीमेटली फॉर जिसने अभी तक नहीं शुरू किया है उसे 2 घंटे से शुरू करना है. अगले दिन मेरे को 2 घंटे 5 मिनट पढ़ना है. एंड स्लोली 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 स्टार्ट इंक्रीजिंग योर टाइम. क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि आज के दिन मैंने 12 घंटे पढ़ लिया और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, कल मैं कुछ नहीं करूंगा, तो दैट वुड बी अल्टीमेटली नेट इफेक्ट कि तुमने एक दिन पढ़ा और एक दिन कुछ नहीं पढ़ा और तुम पिछले दिन का एक दिन के गैप तक सब भूल चुके होगे. तो कीप अचीवेबल स्मॉल स्मॉल गोल्स जिससे यू विल बी मोर कंसिस्टेंट. एंड आई थिंक इट इज बेटर टू कीप वीकली रिव्यूज कि एक हफ्ते में इस दिन मैंने कितने घंटे पढ़ाई की और उसमें से कितने घंटे इफेक्टिव पढ़ाई की. एंड एंड ऑफ द वीक रियलाइज कि कितने घंटे टोटल पढ़ाई की एंड कितने घंटे इफेक्टिव पढ़ाई की. एंड दैट विल हेल्प यू रियलाइज कि हाउ योर वीक वेंट, बिकॉज अल्टीमेटली इन 2 इयर्स टाइम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ योर डे वेंट, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ योर 2 इयर्स वेंट. तो उसके लिए हैव अ वीकली रिव्यू इंस्टेड ऑफ अ डेली रिव्यू. तो वीकली विल हेल्प यू रियलाइज हाउ योर वीक्स हैव बीन एंड हाउ यू हैव बीन डूइंग इन द लास्ट 6 मंथ्स और जितना भी टाइम. तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर. एंड people, I think you must have, well, many people must have heard it. They stress upon this Pomodoro technique, and I think it does really work. It did work for me. Study for some, like जैसे शुरुआत में 25 मिनट uninterrupted पढ़ाई करो, उसमें कुछ भी नहीं, कोई कोई ब्रेक नहीं करनी है. And then take a 5 minutes break and slowly increase this Pomodoro का time to 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, maximum of 1 hour. Because this really helps your brain to be consistent in that particular amount of time for that particular subject or that particular topic you're studying. So it will be better in the long run. Yeah, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब किसी ने भी ये तक बताई नहीं है. So मैंने भी कभी किसी स्टूडेंट को ऐसे नहीं बताया कि मतलब सब लोग ऐसे बोल देते हैं कि 18 आवर्स पढ़ना है, 12 आवर्स पढ़ना है. बट स्टूडेंट जो अभी 10th से आया है या जो अभी अभी 11th से 12th में आया है, वो जब ये फिगर सुनता है वो डर जाता है. So this is a very nice technique, you know, जो बताई है अभी कि पहले, you know, 2 घंटे पढ़ो,
फिर उसको 15 मिनट से इंक्रीज करो एंड पर सिटिंग ऑल्सो जस्ट स्टार्ट विद मे बी हाफ एन आवर देन गो टू 35 मिनट्स एंड देन 40 मिनट्स अल्टीमेटली तो यू हैव टू बिल्ड इट फॉर 3 आवर्स की सिटिंग क्योंकि पेपर 3 आवर्स का होता है अगर आप उससे कम देर पढ़ोगे आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बिफोर योर नीट तो अगर आप उससे कम देर पढ़ोगे तो आप टायर्ड हो जाओगे पेपर में बोर हो जाओगे पेपर में तो यस पेपर में नींद आने लगती है एंड दैट इज वेरी बैड दैट इज नॉट गुड एट ऑल हाँ और वो तभी आती है आई थिंक या तो आप उस ड्यूरेशन में जैसे 9 to 12 अगर आपका पेपर है उस ड्यूरेशन में आपको नैप लेने की आदत है तब या फिर यू डोंट हैव हैबिट ऑफ यू नो कंटिन्यूअस सिटिंग ऑफ 3 आवर्स वो इवेंचुअली बनेगी जैसे दीपिका ने बताया ये नहीं कि इट्स नॉट लाइक रोम वॉज बिल्ट इन अ डे और समथिंग या सो दैट्स द थिंग या तो दीपिका जो आपकी जैसे प्रिपरेशन रही तो उसमें टेस्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस थी मतलब टेस्ट कितना हेल्प करते हैं यू नो टू स्कोर बेटर मार्क्स इन योर नीट और एम्स मॉक टेस्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस आई बिलीव टेस्ट्स आर एवरीथिंग मॉक टेस्ट के लिए मतलब वी ऑल सी मॉक टेस्ट एंड मतलब ऐसा होता है ना जैसे ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट्स में दे टेल यू कि जैसे अभी तुम्हारे प्रैक्टिस टेस्ट है थोड़े थोड़े हम प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे फिर हम तुम्हारा ऑल इंडिया लेवल पे एक टेस्ट लेंगे फिर मतलब एक स्टेट लेवल पे होगा एसएससी करके होगा बट अल्टीमेटली कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड दैट एवरी सिंगल टेस्ट दैट यू गिव बिफोर यू एक्चुअली अपेयर फॉर नीट इज अ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू दैट नेशनल लेवल का टेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल का और द सेल्फ टेस्ट दैट यू गिव एट योर होम सो एवरी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट द टेस्ट विल हेल्प यू एक तो रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स क्योंकि जब तुम पढ़ते हो यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स बट इट इज अ वे इट इज एक्चुअली अ प्रूवन वे टू स्टडी बाय जस्ट डूइंग एमसीक्यूज बाय जस्ट गिविंग टेस्ट्स सो दैट विल इज वन बेनिफिट दूसरा टेस्ट विल हेल्प यू रियलाइज वेयर यू स्टैंड जितने तुम्हारे नंबर आएंगे तुम या ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो तो तुम्हें वो पता चलेगा एंड तीसरा एज यू जस्ट मेंशन तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी तभी बनेगी अगर तुम मॉक टेस्ट देते रहोगे सो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट डोंट स्किप आउट ऑन टेस्ट इवन इफ तुमने नहीं पढ़ा है ना Just give your test because it will tell you what you can do. ऐसा भी तो हो सकता है ना नीट से जस्ट पहले you can't revise your whole concepts, your syllabus, and you have to give neat. So be confident about giving tests and give all the tests that you can. जहाँ से paper मिलता है, जितना मिलता है, give the test and give them in a limited 3 hour time frame and keep filling those OMRs because अभी भी जैसे offline हुआ 2020 वाला neat. पॉसिबल है कि 2021 वाला भी ऑफलाइन ही होगा सो कुछ भी हो सकता है तो ओएमआर भरने की प्रैक्टिस भी नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज एक क्वेश्चन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस या डेफिनेटली मतलब ओएमआर भरने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए एंड अनदर थिंग इज टेस्ट जब आप देते हो तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमें लगता है कि सारा तो मैंने पढ़ लिया है फिर मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे वो टेस्ट का एनालिसिस ही है जो आपको बताता है सो अल्टीमेटली पीपल यू हैव टू एनालाइज एज वेल ठीक है टेस्ट देने भी हैं और उनको एनालाइज भी करना है राइट एग्जैक्टली तो मतलब आपने ये कैसे डिसाइड किया था कि यू नो डॉक्टर बनना है मतलब हाउ डिड यू डिसाइड और हाउ एनीवन डिसाइड्स कि हाँ डॉक्टर बनना है तो ये कैसे आया था क्योंकि ये पता चले तो बहुत यू नो ये भी पता चल जाता है कि व्हाट इज द motivation behind the success doctor bana this is matlab aisa koi specific point keh lo ya aisa to nahi but jaise hota hai na you have been thinking about it from a long time but ek wo aisi cheez hoti hai that makes you decide that yes this is what you want so aisa ek incident hai I'll share it was I think in 2000 I can't remember the year but I was in grade 9 at that time Okay. So it must have been 2014 के आसपास की बात है माई मदर हैड चेस्ट पेन तो उनको वैसे लेफ्ट साइड में ज्यादा हो रहा था और इट वॉज रेडिएटिंग टू हर आर्म तो मतलब अभी दैट्स ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दैट टिपिकली टिपिकल माइकोडियल इंफेक्शन का इट इज अ फीचर तो मतलब वी ऑल गॉट स्केयर्ड तो हम दिखाने गए तो द जनरल मेडिसिन वाले दे रेफर्ड टू कार्डियोलॉजिस्ट तो व्हेन वी वेंट देयर And the way he talked to my mother and the way he explained her, because it was nothing, it was just a muscle pain and she was just worried because left side maybe we also get worried if aisa kuch hota hai to. And the way he talked, the way his aura was, and that made me realize that this is something that I want to be in my life and this is something that I want to do. I want to help relieve somebody's, worries and it's not just about one person's worry. If you make a correct diagnosis, if you talk to the person nicely,
यू रिलीव द वरी ऑफ ऑल दोज जो उनके आसपास होते हैं, बिकॉज ऑल दोज पीपल हु आर देयर द क्लोज टू देम दे ऑल गेट वरीड ऐसा कुछ भी हो जाए तो. आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट. बट थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन तो बिगिनिंग से ऐसे मूवीज में दिखाते हैं, डॉक्टर्स की लाइफ ऐसे होती है तो वो तो बिगिनिंग से ही रहता है. बट आई थिंक दैट वाज दैट वन सेट पॉइंट दैट मेड मी चूज दिस पाथ. Yeah, that's really cool and awesome, I will say. तो जैसे आपने लाइफ की बात की है तो मेडिकल कॉलेजेस की जो कॉलेज लाइफ है लोग कहते हैं कि यू नो इट इज वेरी हेक्टिक एंड यू डोंट गेट टाइम टू परस्यू योर हॉबीज एंड स्टफ लाइक दैट. सो ये क्वेश्चन भी है प्लस एक और क्वेश्चन भी है दैट डिड यू गिव अप एनी हॉबीज इन योर 11th 12th और क्या उनको अब कॉलेज में आके परस्यू करने का आपको टाइम मिला एंड व्हाट वर दोज हॉबीज जो आपने 11th 12th में यू नो गिव अप की एंड कॉलेज में फिर परस्यू करने का अगर टाइम मिला तो वो क्या थी. दिस इज अ वेरी हॉट क्वेश्चन बिकॉज बच्चों को लगता है कि 11th 12th मतलब ऐसे डराते ज्यादा है लोग कि 11th 12th में तो बस सब छोड़ दो, बंद कर दो और बस पढ़ते रहो और ऐसा हो जाएगा कि मेडिकल में मतलब जैसे कोचिंग वगैरह में भी हम होते हैं एवरीबडी कीप्स टेलिंग कि अभी पढ़ लो अभी तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आगे जाके तो ऐसे 10-10 बड़ी बड़ी किताबें आएंगी पढ़ते ही रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे. ये ज्यादा डर है. आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. 11th 12th में आई विल एग्री दैट आई लव टू रीड. आई लाइक टू रीड फिक्शन नॉवेल्स अलॉट. बेसिकली साइंस फिक्शन में कोई भी आई लाइक टू रीड एंड आई ऑल्सो यूज टू स्विम मतलब आई लाइक टू स्विम अभी भी. तो आई हैड टू गिव अप क्योंकि स्विमिंग अकेडमी जाने के लिए फिर पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होती थी क्योंकि वो 2 ही साल थे. और रीड जाने मतलब इफ यू हैव टू रीड तो फिर तुम अपना टेक्स्ट कोर्स कब पढ़ोगे. तो आई डिक्रीज माई रीडिंग अलॉट. आई वॉन्ट से कि कम्प्लीटली छोड़ दिया था मैंने. जैसे कभी एग्जाम्स हो जाते थे उसके बीच में एक दो दिन का गैप मिलता था तो आई डिड यूज टू रीड अ नॉवल और टू उस टाइम में. बट या स्विमिंग थोड़ी छूट गई थी तो इन 2 सालों में येस आई हैड टू गिव अप. बट इट इज नॉट ट्रू एट ऑल कि तुम आगे जाके परस्यू नहीं कर पाओगे. अभी आई हैव रेड सो मेनी नॉवेल्स. आई थिंक आई हैव रेड अबाउट 40 नॉवेल्स इन द लास्ट 2-2.5 years. तो यू डू गेट टाइम, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू वॉट यू वॉन्ट. बट ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में यू सिट एट अ प्लेस एंड यू जस्ट कीप स्टडिंग. एमबीबीएस लाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स इज अ वेरी लाइक ऑल अदर प्रोफेशंस ऑफ यू नो डिफरेंट प्रोफेशंस इट्स अ वेरी यू नो वर्सेटाइल सब्जेक्ट. इट्स अ वेरी वर्सेटाइल ब्रांच. So you get a lot of time and you can pursue your hobbies. We have our seniors. He loves to travel. So in spite of being in the MBBS, in spite of being a doctor, he's traveled almost whole of North India. ऐसी ऐसी अजीब अजीब जगह भी वो गए हैं जहाँ हमने नाम भी नहीं सुना था. तो ऐसी कोई बात नहीं है. अभी भी I read, I go to swimming also sometimes. मतलब जैसे ही time मिलता है जब मन करता है we can go. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. तुम इतना घूमने का मौका मिलेगा बट अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कहाँ तुम जाते हो. तो अगर तुम एक अच्छा कॉलेज अच्छी जगह मिल जाती है तो यू गेट टू डू एवरीथिंग. तो अभी मेहनत कर लो 1-2 साल फिर सब करने का मौका मिल जाता है. मतलब दैट्स ट्रू इन मतलब मेडिकल आल्सो. जैसे नॉन मेडिकल में तो है ही है देखो ऐसा. हाँ तो दैट्स ट्रू क्योंकि कुछ टीचर्स ना ऐसे बोल देते हैं कि नहीं नहीं अब तो जिंदगी ही ऐसी है मेडिकल में तो बस 10th तक ही ऐश थी अब तो यू नो रॉबर्ट वाली जिंदगी हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट आई यूज टू थिंक यार मेरे भी बहुत सारे बैचमेट्स हैं उन्होंने वो तो चिल मार ही रहे हैं काफी लोग चिल भी मार लेते हैं. तो आई थिंक दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अब जो लोग थोड़े रोंदू टाइप के हैं वो कहेंगे कि नहीं जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी. बट आई थिंक यू गेट टाइम 11th 12th में या 11th 12th में यू एवरी वन हैज टू यू नो गिव अप देयर हॉबीज बट कॉलेज में तो जाके यू परस्यू राइट. Right, that's true. It's like मतलब ऐसा समझ लो कि you are devoting some time for a good future. तो उससे तुम्हें motivation मिलेगा. मतलब your future is going to be very bright if you study these two. Because trust me, it is very important where you do your MBBS from. तुम्हारी under graduation कहाँ से होती है matters a lot. You will hear people saying कि बस कोई government college चाहिए. कैसा कहीं से भी MBBS करो कोई फर्क नहीं पड़ता बस नाम के आगे doctor ही होता है. It is true कि हाँ MBBS मतलब नाम के आगे कोई लिखता नहीं है कि MBBS कहाँ से की है. That is true. बट एमबीबीएस कहाँ से की है विल डिसाइड तुम पीजी कहाँ से करते हो. दैट विल डिसाइड तुम कैसे डॉक्टर बनते हो. तो एमबीबीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट कॉलेज यू चूज व्हाट कॉलेज यू आर इन. क्योंकि तुम्हें उतने ही केसेस देखने को मिलेंगे और तुम देखोगे तो सीखोगे. एमबीबीएस का तो यही सीन है. तुम पेशेंट देखोगे केस देखोगे तभी तुम सीखोगे. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट अ गुड कॉलेज. तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. ओके ये मिथ मेरी भी दूर हो गई. मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि हां कोई डॉक्टर अपने नाम के साथ कॉलेज थोड़ी ना लगाता है. But yes, everything what you said that makes 100% sense. कि अब अगर अच्छे कॉलेज में हो तो practically, you know, you will be around one of the finest doctors of the country, right? तो आपको practically सीखने को मिलेगा. किताबें ही सब कुछ नहीं सिखाएंगी. नहीं सिखाती, especially here.
especially here. Yeah. That is one point ki you will be amongst the finest doctors of the country. And the other point is tumhare, matlab, in your institute, the patients will come jo refer ho ke aa rahe hain. So you will get to see the rare cases also. So that is also important. Because बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आते हैं, we read about some cases कि ये बहुत रेयर है, तो वो बताते हैं because they've seen, they've done their मतलब degrees from a very good college, so used to say we used to see these cases daily, क्योंकि education institute उस लेवल का था, आपको एम्स दिल्ली से आ रहा है, वो तो केस देखेगा ही ना, क्योंकि इंडिया भर के रेफर वही नहीं हो रहे, so that matters, that really matters. Yeah. तो tell me, जब आपका first time experience रहा वो dead body वगैरह के साथ, तो how was it? बड़ी क्यूरियोसिटी होती है. मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप ही था क्या? हां जी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब फिल्में तो मतलब डोंट गो आफ्टर मूवीज एट ऑल, जैसे मूवीज में दिखाते हैं एमबीबीएस लाइफ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती. नहीं, बट स्टिल कोई अगर ऐसा बंदा जो देख के जल्दी डर जाता है, तो कुछ तो बैच में होंगे आपके भी, आई एम श्योर. नहीं, ऐसा हुआ हमारा, मतलब ऐसा होता है डाइसेक्शन जब हम डेड बॉडी पे करते हैं, दैट हैपेंस इन द फर्स्ट ईयर ओनली. फर्स्ट ईयर में पहले दूसरे दिन ही ले जाते हैं, मतलब दिखाने. हाँ जी, जब से क्लासेस शुरू होती है पहले दूसरे दिन हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेन सब्जेक्ट इज एनाटॉमी. तो एनाटॉमी में यू हैव टू सी द डेड बॉडी एंड यू हैव टू कट इट आउट. डाइसेक्शन हॉल इज द प्लेस दैट वी कॉल इट, बिकॉज़ वी डाइसेक्ट द बॉडी, सो इट्स कॉल्ड डाइसेक्शन हॉल. ओके, ठीक है. तो ऐसा होता है, यू मतलब जैसे इट डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जस्ट अ सेकंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लेवल, दैट हाउ मेनी बॉडीज यू गेट. जनरली ऐसा होता है, देख हमारे में वी गॉट वन बॉडी फॉर 15 पर्संस, 15 स्टूडेंट्स गॉट वन बॉडी, तो ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो गया था. So first day we had the body, तो ऐसा होता है, the hair and all are taken off, सब wax होता है, formalin डाला होता है, तो you can't recognize कि कौन है, मतलब एकदम shredded, क्योंकि थोड़ी देर रखी होती है, preserved bodies होती है. तो पहले दिन there's one girl जो हमारी batch में थी, she went and मतलब roll number वाइज ऐसे randomly उसी का number आया, और वही सबसे ज्यादा she's very मतलब hygienic, तो वो बोलती है कि body बहुत गंदी होती है और सब मुझे इसके पास नहीं जाना है और ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मतलब she has those myths. तो उसी का roll number आया, उसके हाथ में scalpel और वो दे दिया, और वहां बोली dissection करो. शुरुआत अपर लिम्स होती है, आर्म से वी स्टार्ट टू स्टडी, तो आर्म काटना था. उसने पकड़ा और उसको, she just touched the body और वो उसे वहीं रख के she just ran away, मैं यहाँ वापस नहीं आ रही हूँ. It was so so bad. We had to coil her again, and she never touched the scalpel again. She never came close to the body ever. She was very scared. बाकी सब तो cool. ऐसा कोई किसी ने उल्टी उल्टी नहीं की, कोई बेहोश बेहोश नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. She just ran away because she did not want to be close. She didn't want to be close to that. मतलब last में आते तो ऐसा हो गया था, हम लोग खाना भी वही side में बैठ के खा लेते थे. मतलब इतना वो हो रहा था. इतने frank हो गए थे updated bodies के साथ. We used to name our dead bodies. सबने अपनी अपनी body का नाम रख दिया था. आज हमने इनकी ये dissection की है. हमने अपने dead body का नाम जियान रखा था. वो डोरेमोन वाले character था ना एक. Oh. He was very fat. Oh, okay. तो सही है, मतलब funny है, मतलब college life medical में भी funny है वैसे. This is. It's good. If you enjoy it, तो you will like it. You won't find it hectic. और ये सब डराते ज़्यादा हैं. हमारे coaching के time पे भी हमें ऐसे डराते थे. अभी जितना तुम्हारे सारे सिलेबस. मैंने नहीं डराया ना कभी. मैंने नहीं डराया. नहीं, आपने नहीं डराया. But especially biology वाले teachers डराते थे. ये सब तो तुम एक महीना नहीं पढ़ोगे. अभी तुमसे दो साल में नहीं पढ़ा जा रहा है. सब डराने वाली चीजें ज्यादा है. प्रैक्टिकली जब तुम देख के पढ़ते हो तो अपने आप क्लास में याद हो जाता है. सेल्फ स्टडी तो बहुत ही कम होती है एमबीबीएस में भी. लास्ट पेपर से पहले तो हर फील्ड में ही पढ़ना पड़ता है, तो उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है. मतलब इट्स फन, इफ यू लाइक इट यू विल रियली फाइंड इट गुड. हाँ, मतलब इंजीनियरिंग में भी इतना तो करना ही पड़ता है, मतलब पेपर के पहले तो देखना ही पड़ता है. यहाँ आप खुद करते हो या फिर किसी का दरवाजा खड़काते हो कि पढ़ाते हो, तो वही है टिपिकली. ग्रुप स्टडीज आर ऑलवेज गुड. हां जी. Yeah, so thank you so much, Deepika. मतलब आपके जो भी आपने बताया, that was an eye opener. कुछ चीजें मेरे को भी बतानी थी, to be very honest with you. And it is an eye opener for many people who want to, you know, do good in NEET, who want to be in very nice colleges like you are. So I think आपके guidance matters a lot. आपका message to everyone preparing for NEET. Okay, I think in the end I would say that वही जो मैंने पहले कहा, I would repeat, consistency is the key. And one more thing I would like to add is, ऐसा होता है especially in 11th 12th, that you get a lot of sources, so you get confused किधर से क्या पढ़ना है. I would say learn from your teachers जो वो कहते हैं, and choose a source कि तुम कहाँ से पढ़ना चाहते हो.
एंड जस्ट फॉलो इट अच्छे से. डोंट गो फॉर हंड्रेड डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ बुक्स. देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ट्रस्ट मी. Because as Jackie Chan used to say, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks. I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. So read that one book hundreds and hundreds of times. जब तक तुम्हें वो रट नहीं जाए, फिर किसी और सोर्स को पकड़ो. अपने सोर्स पे टिके रहो, because that is what smart work really is in 11th and 12th. इतना ज़्यादा मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं है. Be on your path and be consistent. Be practical, achievable goals रखो, and you will do good. I'm sure everybody can do it. Thank you so much. That is, you know, that was very nice work. Okay, Deepika, thank you very much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Bye.